वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आप आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? वर्ड लेटर्स, लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनते हैं, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस किस तरह बनते हैं, कैसे, ये सब पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, पहला होता है इसके कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर है पहला सेंटेंस है एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? कथनवाचक वाक्य। ये क्या होता है? एसरेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, जैसे एक अफर्मेटिव हो गया, या इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और निगेटिव। एसरेटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का होता है। जैसे यहाँ पर एसरेटिव माने होता है कथनवाचक वाक्य, और ये कथन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो तरह से, या तो एक नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो यहाँ पर क्या होते हैं? दो प्रकार के एसरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, ये हो गया एसरेटिव अफर्मेटिव, और मैं नहीं जाता हूँ, ये हो गया नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस। तो एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? किसी भी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं जिस वाक्य में, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। जैसे पहले या तो क्या, क्यों, कैसे शब्द पहले आ जाए, जैसे क्या वह खेल रहा है, क्या वह नाच रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, इस तरह से। और एक होता है वह क्यों नहीं, वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, जैसे क्या, क्यों, कैसे आदि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। इस तरह से एक वाक्य के पहले आ जाता है, और कभी जो एक बार वाक्य के बीच में आता है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। जैसे क्या वह खेल रहा है, और फिर दूसरा हो जाता है वह क्यों खेल रहा है। इस तरह से दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या है? ये शब्द क्या पहले आया है, क्या, क्यों, कैसे, और एक में क्या होता है? बीच में आता है। इस तरह से ये क्या होते हैं? दो प्रकार के ये भी होते हैं। अब तीसरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम दरवाज़ा खोलो, ये मत करो, ये काम मत करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस तरह से आदेशात्मक वाक्य होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या होता है? विस्मयादिबोधक, जैसे अरे ये क्या हो गया, विस्मय सूचक। तो इसमें क्या होता है? अरे कोई भी विस्मय सूचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। पांचवा नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य, जैसे भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू गॉड लिव लॉन्ग, इस तरह से इच्छा सूचक, जिसमें अपनी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस तरह से सेंटेंस क्या होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं, एसरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, एक बीच में आता है और एक पहले आ जाता है। इम्परेटिव क्या होता है? आदेशात्मक होता है, जिसमें आदेश दिए जाते हैं। एक्सक्लामेटरी में विस्मय सूचक शब्द होता है, जैसे
अरे यह क्या हो गया, इस तरह से जिसमें विस्मय सूचक शब्द हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा सूचक होता है, इच्छा जिसमें प्रकट की जाती है इस तरह से। तो ये पांच प्रकार के होते हैं सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको आगे हम देखते हैं। कंप्यूटर में स्टडी कॉम्पिटेटिव दोनों हो सकते हैं, मीन्स जिसमें हम जर्नल वे में कोई बात कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, मीन्स चाहे आपने नॉट का यूज़ किया हो या ना किया हो, दोनों ही टाइप्स में वो सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं। मीन्स जिसमें हमने कोई जर्नल वे में बात की होती है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट, ईमानदार है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। इस टाइप के सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन बात कही गई है। अगर इनमें हम नॉट का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, तुम सुंदर नहीं हो, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस में नॉट का यूज हुआ है। अगर सेंटेंसेस में नो, नेवर, नॉट इस टाइप के निगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है तो वो सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब गाइस बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, अपनी बात को किस वे में एक्सप्रेस करना है, जर्नल वे में या कोई क्वेश्चन को पूछना है। इस सेंटेंस के टाइप्स पे डिपेंड करता है। सेंटेंस के टाइप्स की नॉलेज होना क्यों जरूरी है, इसकी आगे की वीडियोज में भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनके टाइप्स को डिटेल में जानते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सभी सेंटेंसेस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज आज्ञा देने के लिए, सलाह देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, डू योर वर्क, अपना कार्य कीजिए। इस टाइप के सेंटेंसेस में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना, ये सब भावनाएं व्यक्त होती हैं। गाइस इस टाइप के सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इसमें दिखता नहीं है, वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर शुरू होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, मीन्स हाइड होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, इस टाइप की फीलिंग को शो करने के लिए किया जाता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या किसी अभी चीज़ को देखकर या किसी बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस समय हम इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, कितनी सुंदर इमारत। सरप्राइज होकर जब हम बहुत खूबसूरत सफर बिल्डिंग देखते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सरप्राइज होकर यही देते हैं, इतनी सुंदर इमारत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। गाइस अगर हम इसे कॉमन वे में बोलेंगे, मीन्स अगर हम इसे असर्टिव सेंटेंस में बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि यह इमारत बहुत सुंदर है, ये एक जर्नल बात है। लेकिन अगर हम इस
को एक्सक्लेमेटरी में बोलेंगे तो हम यही कहेंगे कितनी सुंदर इमारत है, मीन्स बहुत ही सरप्राइज के साथ हम ये बोल रहे हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, हाउ लेजी यू आर, कितने आलसी हो तुम, सरप्राइज होके जब हम बोलते हैं सरप्राइज में एकदम, कितने आलसी हो तुम, हाउ लेजी यू आर, व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने बुद्धिमान हो तुम, जनरल वे में यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट अगर हम बोलते हैं तो वो सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कि हम बहुत ही कॉमन वे में बोल रहे हैं, वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। और अगर हम सरप्राइज होके बोलते हैं, मीन्स सेंटेंस की इस स्ट्रक्चर का, इस टाइप का यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम बहुत सरप्राइज होके इस बात को बोल रहे हैं। तो गाइस इस तरह के एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को शो करते हैं, मीन्स जब बहुत ज़्यादा हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस समय इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अब गाइस बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम प्रार्थना करते हैं या किसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, कोई आशा करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप जीवन में प्रसन्न रहें। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आपको जीवन में खुशहाली मिले। इन सभी तरह के सेंटेंसेस में गाइस ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मीन्स हम जिस वे में अपनी बात को कहना चाहते हैं, सेंटेंस के टाइप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप गाइस कि आपको सेंटेंस के टाइप बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उस तरीके से।